हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, उनके फीलिंग्स, उनके इंटेंशन क्या है, उनके एक्शंस क्या रहेंगे आपकी तरफ, क्या वो व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे या आपकी तरफ एक्शन लेंगे या फिर ये आपको कनेक्ट करने का सोच रहे हैं या क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में। जो भी व्यक्ति आपके माइंड में, जिनके ही बारे में आप जानना चाहते हो या आप कंफ्यूज हो कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, किसी तरीके से आप नहीं समझ पा रहे हो सकता है वो इशारा दे रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। सो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है, ठीक है, उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर के। आपको करना क्या है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं सो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और सो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है या आपके पर्सन की क्या एनर्जी है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, ठीक है। या आपके पर्सन हो सकते हैं, ओके, आपके पार्टनर, आपके लव वंस, आपके फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं ये, ठीक है। सो चलिए हम देख लेते हैं, प्रे कीजिए डिवाइन से जो भी आंसर आप चाहते हो उस पर्सन के लिए, ठीक है, वो क्लियरिटी आपको मिले, जो भी क्लियरिटी आप चाहते हो यूनिवर्स से, आप जानना चाहते हो वो आपको मिले। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की क्या एनर्जी है, वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनका भी ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी बताएं मुझे। अनप्रिडिक्टेबल, ओके, स्केर्ड, एनर्जी बताएं यूनिवर्स मुझे, पर्सन ऑन योर माइंड, ये रीडिंग है, ठीक है। क्लियर मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। मैरिज, ओके, एपोलॉजी, सो आप दोनों में रिलीजियस का कोई मैटर हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली रिलीजियस रिलेटेड मुझे कुछ लग रहा है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ है, जो या तो आप हो सकता है कोई डिफरेंट कल्चर या कास्ट के हो, ठीक है, या ये हो सकते हैं जिसके कारण आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है उस तरीके से पूरा नहीं हो सकता जिस तरीके से आप चाहते हो, ठीक है। डेफिनेटली ये सोच विचार तो करते ज़रूर हैं, ये आपके साथ बहुत दूर तक जाने का सोचते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा, मतलब दूर तक सोचते हैं ये आपके साथ, बट इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, ओके। इस पर्सन ने पहले ही मान लिया है या किसी तरीके से इन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया है कि भाई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना या किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा सोच पाना, ये किसी भी तरीके से समझदारी नहीं है, ठीक है, लाइक कंप्लीट नहीं फील कर पा रहे, ठीक है। डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते ज़रूर है कि इस रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें भी हो जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। आप जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो ना, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा छुप छुपाने वालों में से, ठीक है, मीन्स कि लोगों से छुप छुपा के चीज़ें करने पे ये बिलीव रखते हैं। अगर ये सोसाइटी, समाज को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हैं, ये रिलीजियस को काफ़ी मानते हैं या कल्चर को बहुत ज़्यादा, कल्चर के रिलेटेड ये सोचते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इनके पड़ोसी क्या कहेंगे या फिर इनके आसपास के लोग क्या कहेंगे या फिर इनके फैमिली वाले, या किसी तरीके से लोगों के बारे में अगर ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने वाले व्यक्ति हैं, सबको साथ लेके अगर चलने वाले व्यक्ति हैं, सो डेफिनेटली ये आपके साथ चाहते ज़रूर है रहना, बट ये समटाइम्स किस तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक नेगेटिव वे में भी लेके जाते हैं, ठीक है। एक ही पल में खुश होना इस रिलेशनशिप में और एक ही पल में इस रिलेशनशिप को बिल्कुल तोड़ के रख देना या फिर किसी तरीके से पूरा साइड कट कर देना या इग्नोर करना, ये समटाइम्स ये करते होंगे, ठीक है, पास्ट में आपने ध्यान दिया होगा, नोटिस करा होगा। सो डेफिनेटली ये सारी एनर्जीज ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर में रही होंगी। सो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करके कि और क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में। स्केयर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी स्केयर्ड, स्केयर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें।
लियो हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस। ओके, सन इनका काफी स्ट्रांग है बट ये डरते सिर्फ आपके साथ इस रिलेशनशिप में है, बट डेफिनेटली इस व्यक्ति का सन काफी स्ट्रांग पोजीशन पे है, काफी अच्छा है, जिसके कारण इस व्यक्ति में स्ट्रेंथ काफी है, कॉन्फिडेंस है, करेज है, पॉजिटिव ज्यादा रहते हैं ये, ठीक है, ओवरकम करते हैं सारे ऑब्स्टिकल्स को, अपने नेगेटिव एनर्जी को डेफिनेटली, बट समटाइम्स ये जो है किसी तरीके से फिजिकली लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव होते जरूर है बट हर समय ये मतलब लाइक ऐसा रहता है कि काम के टाइम पे काम करना इनको, और जो समय इनको मिलता है, ठीक है, सो उन समय में ये अपना काम करते होंगे, ऑफिस या जॉब में होगा या होंगी, सो डेफिनेटली ये ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट तो है, ठीक है, ये किसी भी तरीके से ये नहीं मानते कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो या आप में वो वाली बात नहीं है जो एक पार्टनर में हुआ करती है, ठीक है, डेफिनेटली आपको काफ़ी पॉजिटिव वे में लेते हैं, बट समटाइम्स ये स्ट्रांग बहुत ज़्यादा है, बट नेगेटिव इस तरीके से होते हैं, लाइक ऐसा होता है ना, एक समय में इंसान इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है सारे सिचुएशंस और एनर्जीज को लेके, इसको लगता है कि भाई इस दुनिया में कुछ भी हो मैं तो सब कर लूंगा या सब कर लूंगी, ठीक है, बट समटाइम्स ऐसा लाइक लॉ फील होता है, उसको लगता है कि भाई कुछ नहीं हो सकता इस सिचुएशन में, मैं चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या एनी सिचुएशन लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं गिव अप कर दूंगा या कर दूंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, बट होता ज़रूर है, इस पर्सन की भी कुछ ना कुछ यही दशा है, किसी तरीके से ये पर्सन एक समय में चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक कुछ भी, आप माने ना माने, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ा डरपोक है ये, तो मेरे प्रति एक्शन नहीं लेता है, नहीं लेती है, किसी तरीके से मुझसे कनेक्ट नहीं करता, ये क्या मेरे लिए एक्शन लेगा, बट इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली है इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ। ओके, इनका सन जो है काफ़ी अच्छे पोजिशन पे है, काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण ये पर्सन जो है समटाइम्स काफ़ी पॉजिटिव, और जब नेगेटिव होते हैं सो काफ़ी नेगेटिव रहते हैं, ठीक है, तब इनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। अनप्रिडिक्टेबल की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, अनप्रिडिक्टेबल की एनर्जी क्यों है, ये क्या प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे यूनिवर्स, बताएं मुझे क्या प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे ये पर्सन, क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, सो आप दोनों इस रिलेशनशिप में, मैंने स्टार्टिंग रीडिंग में ही कहा आपको कि इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म नहीं चला जा सकता, जिसके कारण ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को गिव अप करने की एनर्जी में लेके जा रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म ना चल पाना, जिसके कारण ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि भाई इस रिलेशनशिप में तो दूर तक मैं चल ही नहीं सकता या चल ही नहीं पाऊंगा या चल ही नहीं पाऊंगी, सो मैं इस रिलेशनशिप में किस तरीके से आगे बढ़ूँ, ठीक है, आपके पार्टनर का जो सैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छे दिशा में मुझे लग रहा है, नंबर 8 की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, डेफिनेटली इस पर्सन का माइंड जो है काफ़ी शार्प है, काफ़ी अच्छा सोचते हैं अपने लिए, उन सारे कार्य को अच्छा करते हैं जो इनको लगता है कि मेरे लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ है, डेफिनेटली ये करते हैं। ओके, और इनको किसी ना किसी का सपोर्ट है, आप ये मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जिसको समझ में आता है कि चीज़ें कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, और ये चीज़ों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं, समटाइम्स ये किसी से एक ऐसा लग रहा है कि किसी से पूछताछ ज़रूर करते हैं, कोई टैरो रीडर या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको काफ़ी नॉलेज हो, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन हो जो अच्छे से लोगों को गाइड करता हो, हीलर इस तरीके का कोई व्यक्ति इनके साथ कनेक्ट है या ये कनेक्ट करते हैं, डेफिनेटली उनको सही मार्गदर्शन दिखाया जाता है, सो ये उन सारे कार्यों को अपने लाइफ में करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, लॉन्ग टर्म सक्सेस ना होने की वजह से इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो पॉजिटिव नहीं आ सकता, मे बी ये रिलेशनशिप आप दोनों में वर्क कर सकता है, सो किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, इनको कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ रहने में, या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे हो, आप कैसे दिखते हो, क्या सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है, सो क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है इनके माइंड में। अगर जानना चाहते हो कि उस पर्सन के साथ साथ अगर आप नो कांटेक्ट में हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो कि वो आपको कब कनेक्ट करेंगे, सो मैं 10 से लेके मैं 20 के बीच ही आपको कनेक्ट कर सकते हैं, मैं 11 to 20 के बीच ही आपको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्ट्रांग चांसेस है, डेफिनेटली करेंगे, और आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में ये सोच विचार भी कर रहे हैं, ठीक है, बट किसी तरीके से आप इनको अनप्रिडिक्टेबल सा लगते हो भाई, कि हो सकता है आप गुस्सा काफ़ी ज़्यादा करते हो, या आप अभी गुस्सा कर रहे हो कुछ क्षण में आप सही हो जाते हो, सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में ना आग और पानी का लाइक कॉम्बिनेशन आ गया है, ठीक है, किस तरीके से आप गुस्सा होते हो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, अगर आप ठंडा रहना चाहते हो तो पूरे एक जल जो होता है ना, एक शीतल जल, लाइक ठंडा जल जो होता है, पानी की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो कितना शांत होता है, लाइक स्थिर होता है, ठीक है,
कभी किसी समुद्र के पास आप बैठ के देखना, या किसी नदी, किसी झील, झरने के पास आप बैठ के देखना, कितना सुकून फील होता है, राइट? सो उसी तरीके से इनको लगता है कि जब आप शांत होते हो तो पूरी पानी की तरफ शांत हो जाते हो, लाइक एकदम ठंडा हो जाते हो। अगर आपको लाइक गुस्सा आता है तो आप इतना ज़्यादा आग, लाइक फायर की तरह हो जाते हो कि भाई आपको समझा पाना है, किसी तरीके से कंट्रोल कर पाना, इनके बस की तो बात नहीं है, ठीक है? सो मैरिज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, बिकॉज यहाँ से मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया है। सो हम मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, ओके? मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी मैरिज, मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है इस पर्सन के पास अच्छा जॉब या बिजनेस नहीं है जिससे ये सेटिस्फाई आपको फील करा सकते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक चांसेस हैं आप दोनों में किस तरीके के मैरिज के, ठीक है? डेफिनेटली चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं, वर्गो हो सकती है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन इनकी राशि हो सकती है, ऐसा लग रहा है इस पर्सन के लाइफ में ये जो भी चाहते हैं डेफिनेटली वो सारी चीज़ें इनको मिल रही हैं। सो किस तरीके से ये रेडी हो रहे हैं इस साल के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर इनके मैरिज के स्ट्रांगली चांसेस बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति मैरिज के बंधन में बंधना चाहते हैं, ठीक है? शादी करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग, करियर अपॉर्चुनिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके लाइफ में आने वाली है जिससे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके? मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, और ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव हो। बहुत लंबा इन्होंने डेट वेट कर लिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्रिएट हो गए, अब ये चाहते हैं कि इनके जीवन में कोई आए तो एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आए, ठीक है? या आपको अप्रोच करेंगे या नहीं, सो चलिए देख लेते हैं, बिकॉज ये चाहते ज़रूर हैं ये पर्सन आपके साथ मैरिज। हालांकि ये जनरल रीडिंग है बट काफ़ी हद तक क्लियरिटी आपको मिल जाती है, राइट? सो जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। इनवर्स मुझे बताएं क्या मेरे व्यूवर्स से ये शादी के बारे में सोच रहे हैं, क्या व्यूवर्स से? मैंने क्यों ये क्वेश्चन किया यूनिवर्स से, क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल सके। समटाइम्स क्या होता है, फीलिंग्स होती है बट पार्टनर जो होता है मैरिज कहीं और करना चाहता है। आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे देखे होंगे, हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ हो रही है कि प्यार रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप आपके साथ रहा, बट ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं समटाइम्स आपके खुद के पार्टनर को आप ले लो, सारी चीज़ें आपके साथ रही और ऐसा होता है कि वो एंड पे जब मैरिज की बात आती है सो कहीं ना कहीं वो मूव ऑन कर जाते हैं या आपके पार्टनर मुंह फेर लेते हैं, आपसे शादी विवाह नहीं करना चाहते, राइट? सो इस केस में क्या होता है, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो अपने लिए और कंफर्म कर सकते हो, ठीक है, कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। बट ये जनरल रीडिंग है सो मैं एक जनरल प्रेडिक्शन कर रही हूँ, तब भी मैं यहाँ पे देखूंगी आप सभी के लिए। इनवर्स मुझे बताएं क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूवर्स से मैरिज करना चाहते हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं क्या उन्हीं से मैरिज करना चाहते हैं इनके पार्टनर? इनवर्स क्लियर आंसर दीजिए, बताएं क्या उन्हीं से मैरिज करना चाहते हैं। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? ये व्यक्ति स्ट्रांगली चांसेस है फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है? सो ये थिंकिंग कर रहे हैं लास्ट मंथ, जो मंथ अभी गया है, मार्च के महीने की बात कर रही हूँ, ठीक है? हो सकता है उस मंथ में काफी ज्यादा इन्होंने सोच विचार करा है कि क्या आपके साथ चीज आगे बढ़ानी चाहिए, प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे थे, किस तरीके से अब्सॉर्ब कर रहे थे आपको, ट्रैवल करा था इस पर्सन ने मार्च के मंथ में। इनके लाइफ में ना बहुत सारी चीजें जो है काफी डिस्टर्ब भी रही, सो उस वक्त ये सोच नहीं पा रहे थे या सोच नहीं पा रहे थे किसी तरीके से, बट इनके लाइफ में काफी हद तक क्लियरिटी आई है और अभी आपके साथ सक्सेस, विक्ट्री चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर मार्च तक ये आपको अप्रोच करे मैरिज के लिए, बट स्ट्रांगली चांसेस इनके नेक्स्ट ईयर के ही बन रहे हैं, या हो सकता है ये पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, सो ये अपने मैरिड लाइफ में कोई स्ट्रांग डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? बट ये आपका वेट जरूर कर रहे हैं, किस तरीके से ये क्लियर नहीं है, करंटली ये क्लियर नजर नहीं आ रहे, बट हाँ करना जरूर चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट में इन्वॉल्व जरूर होना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि करंटली ये कुछ अभी नहीं कर सकते, ठीक है? इनको थोड़ा समय चाहिए। दी मून की एनर्जी अगेन रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज है, पाइसेस हो सकती है आपके पार्टनर की राशि, मीन राशि हो सकती है, ठीक है? सो किस तरीके से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, इल्यूजन्स इनके मन में इतने ज़्यादा है, इनको डर है, ठीक है? इंट्यूशन जो है इनका काफ़ी अच्छा है बट समटाइम्स इनको एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। स्ट्रांगली ये पर्सन जो है वाटर साइन के हो सकते हैं, ओके? ड्रीम्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी ड्रीम्स, ड्रीम्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी ड्रीम्स। कैप्रिकॉन हो सकती है इनकी राशि, एक्वेरियस, ओके?
हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके ड्रीम में आते हों, ठीक है, किस तरीके से ये ड्रीम में आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको ऑलरेडी जो संकेत है वो यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, या इस व्यक्ति के रिलेटेड आपको इनके जैसे कपड़े, इनका जैसा नाम, या फिर ये जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, या जो भी एक्टिविटीज़ इनकी रहती है, उस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको सपने में या फिर किसी तरीके से आपको दिखाई देती हो। डेफिनेटली आप जिस भी पर्सन के बारे में चाहते हो ना, ये पर्सन आपको दिल से ज़रूर चाहते हैं, ठीक है, जिनको भी आप अपने लाइफ में चाह रहे हो कि ये पर्सन मेरी तरफ आए, डेफिनेटली ये दिल से आपको ज़रूर चाहते हैं। कब आपको ऑफर करना चाहते हैं, फैमिली स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, बट चीज़ें जो है इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही है। कितना भी इनका फास्ट रफ्तार क्यों ना रह जाए, बस इल्यूजन्स और ड्रीम्स ही इनके मन में रहता है, ठीक है, ये ड्रीम्स ही देख पाते हैं आपके लिए, इल्यूजन्स ही क्रिएट कर पाते हैं, उसके आगे ये जा नहीं पाते इस रिलेशनशिप में। ओके, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें फ्रीडम की एनर्जी को, फ्रीडम की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। दी चैरियट की एनर्जी है, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। इनका जो डायरेक्शन है ना, जिस भी डायरेक्शन में ये काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या सोचते हैं किसी भी तरीके से ना, इनका विल पावर जो है ये कंट्रोल बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है, इनके अंदर सक्सेस, सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस है, ये काफ़ी अच्छा करते हैं अपने काम में, ठीक है, बट रेडी नहीं है किसी तरीके से चैलेंज आता है इनकी लाइफ में। सो ये चैलेंज को एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि ये उस चैलेंज को एक्सेप्ट ही क्यों करें जो ये पूरा नहीं कर सकते। सो ये इनको इनको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, ये फ्री माइंड के व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली काफी फ्री रहना पसंद करते हैं। इनको चाहिए लाइफ में नेम, फेम, ओके, अपने लाइफ में ऐसे लोग जो काफी ट्रस्टवर्दी हो। आपको सुन के काफी ऑकवर्ड सा लग सकता है, आपको ऐसा लगा होगा कि भाई ये इंसान तो खुद ही ट्रस्ट करने लायक नहीं है, ये क्या ट्रस्ट इंसान ढूंढ रहा है, बट डेफिनेटली इनकी एनर्जी मुझे ऐसी ही आ रही है। स्ट्रांग एक्वेरियस राशि के ये हो सकते हैं, ठीक है, एक्वेरियस साइंस के हो सकते हैं, एक्वेरियस मीन्स कुंभ राशि के हो सकते हैं ये, बट इनके अंदर होप है, ट्रस्ट है, बिलीव है, पॉजिटिव रहने की कोशिश जरूर करते हैं, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है, डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव रहने लगे हैं ये आजकल, और ये भी सोचते हैं कि समय आने पे अगर चीज़ें जो है इनके फेवर में रही, सो डेफिनेटली ये आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है, ये आपके लिए एक्शन भी लेंगे और उस सारे कार्य को भी करेंगे जो इनको अपने जीवन में बहुत पहले करना चाहिए था। और आप दोनों के लव रिलेशनशिप के लिए इनका एक्शन देख लेते हैं, इनमें से मुझे बताएं इस पर्सन की एक्शन, बताएं मुझे क्या कोई एक्शन लेना चाहते हैं ये। सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ बैंड्स, चांसेस है नवंबर से, अक्टूबर से नवंबर के मंथ में आपके लाइफ में इस पर्सन की एंट्री हो सकती है, ठीक है, या अगस्त में भी हो सकता है, चांसेस है कि अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में ये पर्सन आ सकते हैं आपके लिए किसी तरीके का कोई ऑफर लेके, बट ये करंटली मुझे काफ़ी कंफ्यूजन में नज़र आ रहे हैं, जो दी मून की एंड सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं या किस तरीके से चूज़ नहीं कर पा रहे। सो इनको वक्त चाहिए और ये इंतज़ार भी करेंगे, इनको पता है कि आप भी वेट करोगे। सो ये इनका नेक्स्ट एक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में डिसीजन ये लेंगे, ठीक है, और ये डिसीजन लेके किसी एक सिचुएशन में या किसी एक को ये सिलेक्ट करना चाहते जहाँ पर ये कंफर्टेबल होके उन सारी चीज़ों को कर पाए और आपके प्रति कुछ अच्छा डिसीजन ले पाए। डेफिनेटली ये जो भी डिसीजन लेंगे, इनको ऐसा लग रहा है कि वो सबके फेवर में होगा, चाहे वो फैमिली हो या इनका करियर हो, कुछ भी हो, वो सबके फेवर में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। सो काफ़ी सोच समझ कर ये लेंगे, अभी फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, ठीक है, इनको स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आने वाले अगस्त में, अक्टूबर में या नवंबर में किस तरीके का निर्णय आपकी तरफ ले, ओके, और एक्शन ले आपकी तरफ। बट करंटली तो इतना ज़्यादा लाइक इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, बट डेफिनेटली चाहते ज़रूर है आपके साथ के रिलेशनशिप अच्छा हो, ठीक है, बट धीरे धीरे अच्छा हो, एक एक ही बार लाइक चीज़ें जो हैं ख़राब ना हो जाए इस रिलेशनशिप में। सो या सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग का लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में, बाय गाइज़।